शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप आई हैं इस बगिया में फूल खिले हैं शांतिवन शांतिवन भाई मोहल्ले में मेहमान है तुमने मुझे बताया नहीं तुम चौकीदार हो तुम्हें क्या बताया मैंने कहा जी नमस्ते वहाँ का तेरे डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ हम कहीं गलत इलाके में तो नहीं आ गए ये यहाँ पे कपो जी मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा क्यों नहीं मांगा अभी कल ही 2000 रुपए मांगा था आपने शक्कर की कटोरी मांग के गए परसों से मेरा कच्चा ले गए मेरा साइकिल मांग के गए मांगा था मैंने यार सॉरी पर तुमने कुछ दिया तो नहीं ना सुनिए कैसे हैं आप मेरी छोड़िए आप कैसे हैं आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे हाय अरे भाई तो झूठ क्यों बोल रहे हो कॉलेज असलियत तो सबको मालूम है बात करने का सलीका होता है तो पता है अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को वरना दुनिया में कोई बात नहीं मतलब बड़ा याद आई तुम मुझे वैसे मेरी शादी हो गई है मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस मेरी भी वाइफ बाहर गई हुई है बहुत टाइम से लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं कॉलेज में थे भाई कॉलेज तो आप कभी गए नहीं आपने कभी बताया नहीं मेरे को ये कौन सा भी कॉलेज में एमए करके हटी है ये भी तो मैं कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी डॉक्टर साहब आपका इतना प्यार था तो आपने शादी क्यों नहीं कर ली ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से नहीं हो पाई आपको शर्म नहीं आती कॉलेज में पीते थे आप मैंने ये पीते थे मुझे सारी सारी बातें याद है कुछ भी नहीं भूला मैं मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है इसी बात पे शेर याद आ गया मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है क्या होता है कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे लेकिन मैं सब समझता हूँ अच्छा इतना ही समझता होता तो पहले आ जाता तो मीट माय पति चीकू ये तुम्हारा पति है हाँ जी ऐसे तुमने नौकर रखने छोड़ दिए चलो कोई बात नहीं पहले मुझे जेलसी हो रही थी मुझे सिम्पति हो रही है मैं ना मशीन में कपड़े डालकर आई थी धुलने के लिए धुल गए होंगे अब मैं जरा सूखने के डाल दूं हाँ और सुनो हाँ सफेद कमीज को नील मत देना सोने का पानी चढ़ाना 1.5 लाख की शर्ट पहनता हूँ मैं ये देखो मैं पाजी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ आपको पता है इसके पास इकट्ठा 100 रुपया आ जाए ना तो घर में ढोलकी रख कर ना सारी रात फंक्शन करते रहते हैं और ये वो लोग हैं जो हमारे घर में नाच नाच के उसी फंक्शन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं पाजी आप ना मेरी दुकान पर उबलती हुई चाय टॉप एंगल से देखें ना बिल्कुल इसके मुंह के जैसे बनती है अगर नीचे से देखेंगे ना आपको बर्नर नजर आएगा वो इससे खूबसूरत होता है यार शर्मा ये लो 150 रुपया चार बातें बोलो यार इसके मुंह पर ये तो 50 रुपए हैं तो 100 रुपए उधार कर लो ना बोलो सही ठीक है बोलो मैंने सोच ली मैं बोलूंगा तब जब बाकी की पेमेंट आएगी यार वो बोलो ना जो मुझे कल बोला था क्या वो तेरा मुंह डायपर जैसा नहीं यार इससे भी गंदा था जो इससे भी गंदा तो वही होता है जहां पे डायपर लगता है इसका पैसा वसूल है जी और शुगर सोसाइटी में कोई मुंह के लिए बंदा आया है मैं तो सच्ची थक गया चाहे जितने मर्जी मुंह आ जाए बेटा तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी और बात सुन तू जानता नहीं मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ तो इज्जत भी कमाओ थोड़ी सी इज्जत तो आनी जानी चीजें आ ही जाएगी मेहमान आए कुछ चाय पिला अच्छा यार ओहो अंदर कपड़े डालने की कोई जगह ही नहीं है कहाँ डालूं इतने पैसे वाले आदमी हो बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते अपने काम की फिक्र पड़ गई मैं बग्गी रखूं ताकि इसको घोड़े का काम मिल जाए वाह देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो हाँ तो सही बात है जब गधे पैसा कमा रहे तो घोड़ों को मौत पड़ी हुई है अरे अरे हेलो कौन हो तुम क्या कर आप यहाँ क्या कर रही है मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए तो यहाँ डालने के लिए आई थी सुनिए
पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए। ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे। ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात होगी कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत उल्टी बोलते हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन नाम है मेरा। अगर मैं तुम्हें सरलू कहूँ तो। खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है ये। आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए, इसकी बेटी को छेड़ूलाल 4 बातें बोलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छेड़ूलाल बोलने की? डॉक्टर भी तो बोलता है आपको, उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। खबरदार, मेरी बेटी को छेड़ा तो। यार मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो तो। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाएं, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सारा परिवार अब मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और कहते हैं कि अगर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा जाए ना, अच्छा, अच्छा। तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसा है? हाँ। ओके, ओके, देवता फूलों की वर्षा। मेरी बीवी पे कूड़ा डाला, मेरी नानी पे चला तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आप ही का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस चले यार, लड़ते रहते यार, कोई नई बात करो, चलो हाथापाई करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कैसे? एक तो वो होते हैं जो शादी में भाग लेते हैं। हाँ। जैसे आपने अपनी शादी में भाग लिया और प्रॉपर शादी निभाई। एक वो होते हैं जो शादी से भाग ही लेते हैं। रफू चक्कर? जी हाँ, आज हमारे शो में जो गेस्ट आ रहे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं, वो वैसे ही दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो शादी से भाग जाते हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड मिस्टर अभय देओल एंड डायना पेंटी। वेलकम टू द शो। पाजी वेलकम। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां एक बार। मैं एक बार और हाथ मिलाना चाहता हूँ पाजी। मैं देख रहा हूँ पाजी, इनकी फैमिली में किसी का 2.5 किलो का हाथ है, किसी का 7.5 किलो का, और मैं यही चेक कर रहा था कि आपका हाथ कितने किलो का है। मेरा इतना हैवी नहीं है। इतना नहीं, पर है वैसे, लगता नहीं पर सकता है पाजी। और मेरा ध्यान उधर था जिस हाथ को वो पकड़ के लाए आज। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पाजी? हो जाए जो हमसे कभी वो खता, बता देना मोबाइल नंबर ना सही, घर का पता बता देना। हम खड़े रहेंगे दीदार के लिए, हैप्पी आप जहां से भी भागो बस रास्ता बता देना। डायना, आपको समझ में आ गया ना सिद्धू पाजी ने क्या कहा है? बिल्कुल नहीं आया। उनका कहने का मतलब कि कहीं पे भागो आप रास्ता बता देना हमें। That part I understood. तो आप दोनों का हमारे शो में बहुत स्वागत, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, मैंने आप लोगों की फिल्म का ट्रेलर देखा पाजी। इनफैक्ट ट्रेलर यहीं पे लॉन्च हुआ था हमारे शो पे ही। फिल्म में दिखाया कि लड़की भाग जाती है शादी वाले दिन। हाँ। हैप्पी भाग जाती है, रुकती नहीं है। अच्छा, जब आपको पता ही था टाइटल भी ये फिल्म का हैप्पी भाग जाएगी, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया शादी पे?
मंदिर में शादी रख लेते, चार मेंबर लड़के वालों की तरफ से आते, चार लड़की वालों से, लड़की भाग भी जाती तो। तो पाजी ये टाइटल कैसे मतलब? वो तो जिम्मी ने स्पेंड किया ना पैसे अभी बेचारे ने। अच्छा शादी पे? हाँ, मैंने थोड़ी स्पेंड किया, मैं तो इसको हेल्प करने में बिजी हो जाता हूँ। एक्चुअली अभी जो है ये एक पाकिस्तानी सिटीजन है वहाँ पे, तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो लड़की भागती है और इतना भागती है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाती है और मेरे घर पे पहुंच जाती है। टोकरा में? टोकरी में? टोकरी में। टोकरा भी सही है। One thing I tried to say in the end, it was wrong. डायना पाजी नाम देखो आप, नाम में वीजा लगा हुआ है।